जय हिंद दोस्तों, मैंने सनहा से रिलेटेड दो वीडियोस अपलोड किए थे जिसमें कि बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से कमेंट करके हमसे बहुत सारे सवाल पूछे, जिनका कि मैंने बारी बारी से आंसर्स भी दिए उनके कमेंट्स का, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो कि उनके जहन में रह जाते हैं और वो पूछ नहीं पाते। तो उन सभी लोगों से हमारा रिक्वेस्ट है कि जब कभी भी ऐसा सवाल आपके माइंड में आ जाए जो डायरेक्टली आप ना पूछ पाओ, तो आप क्या करें, मांग कर लें और उस ईमेल पर ही मैं अपना कॉन्टैक्ट वगैरह आपको दूंगा, जिसके माध्यम से आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं और जो उचित सलाह है मैं आपको देने का जहां पर चेष्टा करूंगा। मेरा हमेशा से प्रयास रहता है कि मैं आपको सही जानकारी आपको मुहैया करा सकूं लीगल टर्म्स में। और लीगल टर्म्स में इसलिए क्योंकि देखिए, जब तक आपके पास नॉलेज नहीं रहेगा तब तक आप आपके में पावर नहीं रहेगा। तो एक पिटीशन होता है, आपको पता होगा, इन्फॉर्मेटरी पिटीशन होता है जिसको सनहा बोलते हैं, साधारण लैंग्वेज में सनहा बोला जाता है उसे। सनहा आवेदन जो होता है वह एक प्रकार से आप कह सकते हो कि यह आवेदन जो है, आप कोई भी घटना जो घटित हुई नहीं है उसके पहले आपको संभावित जो घटनाएं घटित होने की चांसेस हैं कि ये घटना घटित हो जाएगी, कोई मुझे मार सकता है या किसी से झगड़ा जो हो रहा है, बात विवाद चल रहा है और वो आपको डर है कि वो आपकी हत्या कर सकता है या आपको ऐसा लगता है कि वो हमारे संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकता है, तो इस तरह से संबंधित कोई भी जो भी बातें होंगी वो सभी सनहा आवेदन में दर्ज कर आप सीजीएम कोर्ट में आवेदन दे सकते हैं। और सनहा आवेदन जो है या इन्फॉर्मेटिव पिटीशन आप पुलिस थाने में भी दे सकते हैं कि फलाना फलाना आदमी से मुझे इस प्रकार का भय है, ठीक है। तो दोनों जगह पर आप दे सकते हैं। थाने में जाते हैं तो थाना में ये सनहा आवेदन लेने से कुछ मना कर देते हैं, ऐसा होता है कभी कभी, आप लोगों के साथ ऐसा होता होगा। इसलिए कुछ लोग क्या करते हैं, सीधे कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और वहां पर सनहा आवेदन कर लेने के बाद आप उसका सर्टिफाई कॉपी जो है अपने एडवोकेट से प्राप्त कर लेंगे, उनको बोलेंगे कि इसका सर्टिफाई कॉपी भी दे दीजिएगा, जिससे क्या होगा कि यदि कभी भविष्य में कोई ऐसी अनहोनी घटना घट जाती है आपके साथ तो आप उसे एक एविडेंस के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। वहां पर आप रख सकते हैं कि मैंने पहले से इन्फॉर्मेशन दिया था फिर भी ऐसा हुआ, इसलिए इस आधार पर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक है। तो इस शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैंने बताया। उसके बाद बहुत लोग कॉस्ट पूछने लगते हैं कि सर इसका कॉस्ट कितना पड़ता है। देखिए, ये एडवोकेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस एडवोकेट के पास गए हैं और उनका कैसा चार्ज है। हालांकि इसमें ज्यादा चार्जेस नहीं होते हैं आपके, लेकिन मैं चार्जेस के बारे में यहाँ पर बतला भी नहीं पाऊंगा, ठीक है। और इसे मैं एक तरह से साधारण जानकारी है ये, इसमें मैंने आपको कोई भी सेक्शन या धाराओं के बारे में यहाँ पर जानकारी नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया, क्योंकि आपके लिए सिर्फ ये पता करना है कि भाई हमको पिटीशन देना है तो कहाँ देना है, कैसे देना है, किस मामले में दे सकते हैं आप। तो इस तरह की बातों को मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है, ठीक है। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं अपने चैनल पर हर प्रकार के एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो और साथ में लीगल हेल्प के से रिलेटेड वीडियोस भी डालने का प्रयास करता रहता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।